नमस्कार, आप सभी का अपने चैनल अभिव्यक्ति में स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर हितु मिश्रा, और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि अगले वीडियो में हारमोनियम का कोर्स लेके आऊँगी, आज मैं हाजिर हूँ। तो यदि आप सोच रहे हैं कि पहले ही लेसन में मैम कोई एक बढ़िया सा गाना सिखाएंगी, तो आपको धैर्य रखना होगा उसके लिए, क्योंकि ये संगीत विद्या है, इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। हारमोनियम की लेसन्स को हम आगे बढ़ाएं, उसकी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, तो उससे पहले मैं आपके लिए कुछ एक दो वीडियोस जो बहुत ज़रूरी हैं वो लेकर आ रही हूं। तो आज के इस पहले लेसन में हम बात करेंगे हारमोनियम की बनावट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद कैसा आपको हारमोनियम लेना चाहिए, इस विषय पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और उसके प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको हारमोनियम पकड़ना है और कैसे हारमोनियम बजाने के लिए बैठना है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली तरीके से सीखना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छे हारमोनियम वादक बने। और मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको दो दिन में आपको हारमोनियम बजाना सिखा दूंगी, या अपने इस कोर्स से 7 दिन में आपको हारमोनियम में पारंगत कर दूंगी, या 15 दिन में कर दूंगी। तो इस तरह से झूठा दिलासा मैं आपको नहीं दूंगी। जैसा भी आप करेंगे, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड होगा। आशा है कि आप भी मेहनत करेंगे मेरे साथ साथ। तो बिल्कुल, हम शुरू करते हैं अब अपने आज के इस लेसन को। लेकिन हमारे चैनल पर आज जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी मित्रों को, उन सभी ग्रुप्स में जो इन संगीत से जुड़ी जानकारियों को लेना चाहते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। और तो आप उनको शेयर कर देंगे तो उनको आसानी होगी। तो बिल्कुल, हम अब बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो आज, जैसा कि मैंने बताया था कि आज की इस लेसन में मैं बताऊँगी हारमोनियम की बनावट और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो बात करें बनावट की, तो आइए हारमोनियम की बनावट या उसके कंपोनेंट्स की बात करें। तो आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि हारमोनियम जो है वुडन बॉडी का होता है, यानी कि लकड़ी का, और इसमें जो लकड़ी का प्रयोग होता है वो चीड़ की या सागौन की लकड़ी होती है। इसमें हारमोनियम को जो पकड़ने के लिए हैंडल्स होते हैं वो मेटल के होते हैं। तो आइए हारमोनियम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को जानें, और वो है रीड्स, जो कि जिसके माध्यम से इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। और हर हारमोनियम में अलग अलग रीड्स की संख्या होती है। जैसे कोई एक रीड का हारमोनियम होता है, तो कोई 2 रीड का, 3 या 4 रीड्स के भी हारमोनियम होते हैं। और रीड्स जो कि तांबे, पीतल या फिर मिश्र धातु से बने होते हैं, जो कि एयर के प्रेशर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम बात करें पंपिंग अपारेटर्स की, तो इसमें एयर को पंप करने के लिए, यानी कि एयर को हारमोनियम के अंदर देने के लिए ये बेलो होती है, जिसे हम धौकनी भी कहते हैं। और इसमें ये फोल्ड लगे होते हैं जिनके माध्यम से हवा पंप करके अंदर रीड तक पहुंचती है। तो आइए आप जानेंगे हारमोनियम की कीज को समझे, उसके लिए मैं पूरा आपको ये कीबोर्ड दिखाती हूँ। तो इस पर सफ़ेद और काले जो पर्दे होते हैं, यही स्वर कहलाते हैं, स्वरों के पर्दे कहलाते हैं। तो क्योंकि जब हम इसको दबाते हैं तो साउंड, इसके जो बॉल्ब है वो खुल जाते हैं और साउंड क्रिएट होती है, उसके बाद ये अपने आप ही अपनी जगह पर चले जाते हैं। ये देखिए, तो हर एक हारमोनियम में अलग अलग संख्या में ये कीज होती हैं। जैसे ये मेरे पास कपलर हारमोनियम है, तो इसमें 42 कीज हैं। तो कोई 32 कीज का होता है, और फिर 39 कीज का। तो इस तरह से अलग अलग कीज के हारमोनियम होते हैं।
कीज के जो स्प्रिंग्स हैं उनको भी दिखा देती हूँ। तो ये हैं कीज के स्प्रिंग्स, ये देखिए आप। और ये कीज को जब हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो आप ये देखिए वो वापस अपनी जगह पर इन स्प्रिंग्स की मदद से ही जाएंगे, क्योंकि उसके प्रेशर से ये वापस अपनी जगह पर जाते हैं। और इसके लिए ये देखिए कवर भी है, और बहुत से हारमोनियम में आपने देखा होगा कि ग्लास का कवर होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है, और इसमें ये इस तरह से ये कवर है। और आप ये देख रहे हैं तो ये कंपनी का नाम है, तो किसी भी ब्रांड का नाम लिखा होता है इस पर। और आप आजकल तो कस्टमाइजेशन का ज़माना है, तो आप चाहें तो आप भी अपना नाम अपने हारमोनियम पर लिखवा सकते हैं। आइए अब स्टॉप्स की बात करें, एयर स्टॉप्स की बात करेंगे। हारमोनियम में सामने की तरफ देखें तो हमें ये एयर स्टॉप्स मिलते हैं, जो कि जिनमें बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। जो बड़े स्टॉप्स होते हैं वो अलग अलग हारमोनियम में रीड्स को भी डिनोट करते हैं, यानी कि जो अलग अलग रीड्स हारमोनियम में लगती हैं, जैसे बास या मेल फीमेल, तो उसको भी डिनोट करने के लिए इनका यूज़ होता है। और यदि हम इनके छोटे एयर स्टॉप्स की बात करें तो इनको ड्रोन भी कहा जाता है, और स्टैंडिंग नोट भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना किसी की को बजाए एक ही स्वर को जब ओपन करते हैं एक साउंड कंटिन्यू आती रहती है, तो एक स्टैंडिंग नोट की तरह ये काम करते हैं। तो ये हमारे हारमोनियम का कवर है, पूरे हारमोनियम को प्रोटेक्ट करता है। और इस तरह से हम इसको जब हमारा काम हो जाए, यानी कि रियाज आपका हो जाए, उसके बाद कवर करके रखना चाहेंगे। तो ये तो थे हमारे हारमोनियम के मुख्य कॉम्पोनेंट्स। अब हम जानेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात। जब ये विदेश से आया था, यानी कि 19वीं शताब्दी में कुछ फ्रांसीसी मिशनरीज के द्वारा ये हमारे भारत में लाया गया, तो इसकी जो बेलो थी वो पैरों से, यानी कि पैरों से बजाया जाने वाला ये हारमोनियम था। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे भारत का ये कल्चर है कि हमारे वाद्य यंत्रों की पूजा की जाती है, उनको पैरों से कैसे बजा सकते हैं? और फिर इसकी सरलता, सुगमता, उसको मंदिर, देवालय, भक्ति पूरक रचनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा था। तब हमारे भारत के दामोदर घोष जी ने इसको मॉडिफाई करके हाथ से बजाने का एक हारमोनियम क्रिएट किया, और तब से यह हमारा भारतीय वाद्य बन गया है। न केवल भारतीय वाद्य बन गया है, बल्कि हमारे संगीत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। तो आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। अगले लेसन में मैं लेकर के आऊँगी कि कौन सा आपको हारमोनियम ख़रीदना चाहिए, यानी कि जो उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि जैसे कि साधारण हारमोनियम या ये इस तरह का कपलर हारमोनियम या स्केल चेंजर, जैसे नाम सुने ही होंगे आपने, उन सब पर चर्चा करेंगे और भी डिटेल में जानेंगे हारमोनियम के बारे में। और फिर हम धीरे धीरे करके फिर अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे, और बहुत सारे गीत, गज़ल, भजन और सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगी। धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।